बिहार विधानसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। राजद के बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहद करीबी सलीम परवेज की आज घर वापसी हो रही है। जी आपको बता दें कि सलीम परवेज राष्ट्रीय जनता दल में रहे हैं और आज वो जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेंगे, यानी उनकी घर वापसी होगी। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में यहीं पर आज 2 बजे दिन में जो है कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और सलीम परवेज पूर्व उपसभापति भी रह चुके हैं, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष, बिहार एथलेटिक संघ के भी हैं। और देखिए इसके बाद आज जिस तरह से ये मिलन समारोह है और घर वापसी होगी उनकी, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद पार्टी नेताओं की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे सलीम परवेज और उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और आज जेडीयू का दामन थाम लेंगे। बता दें इसी साल मई महीने में बिहार विधान परिषद के पूर्व उपसभापति सलीम परवेज ने राजद से इस्तीफा दे ही दिया। सलीम परवेज को तेजस्वी ने पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद इन्होंने पार्टी आलाकमान को त्यागपत्र सौंप दिया था। खबरों के मुताबिक सलीम परवेज आज यानी आज 2 बजे दिन में कर्पूरी सभागार में जो है मिलन समारोह होगा और सलीम परवेज जेडीयू की सदस्यता ले लेंगे। गौरतलब हो कि बिहार विधान परिषद के उपसभापति रह चुके सलीम परवेज को बड़ा मुश्किल चेहरा माना जाता है। 23 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जेडीयू छोड़कर राजद की सदस्यता ली थी, लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके सम्मान के सवाल पर उन्होंने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद करीमचक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सलीम परवेज ने कहा था कि डॉक्टर शहाबुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापकों में से थे। उन्होंने न केवल पार्टी के गठन में भूमिका निभाई बल्कि लालू और रावड़ी के नेतृत्व में बिहार में स्थापित होने वाली सरकारों के गठन में विपरीत परिस्थितियों में भी सक्रिय व महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। राजद के MY समीकरण के आधार को एकजुट करने में वे महत्वपूर्ण कड़ी थे। तो कहीं ना कहीं सलीम परवेज ने ये कहा कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हुआ उसके बाद उन्होंने राजद के नेताओं के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि राजद में उन्हें सम्मान नहीं मिलता, जिसके कारण आज जो है एक बड़ा झटका राजद को लगेगा। और बड़े चेहरों में से सलीम परवेज को माना जाता था और आज जेडीयू में 2 बजे दिन में मिलन समारोह के दौरान वो जनता दल यूनाइटेड के हो जाएंगे। कहा जा रहा है उनकी घर वापसी हो रही है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। फिलहाल के लिए बने रहें आप फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।